गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आर अनदर व्लॉग। तो यार सबसे पहले तो ना जिसने पहले वाले व्लॉग नहीं देखे हैं वो प्लीज 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 फटाफट से जाकर व्लॉग देख लो, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ लिंक। और अब इस व्लॉग के बारे में बात करते हैं, तो दिस व्लॉग वुड गोना बी लाइक समथिंग न्यू, यूनिक, इंटरेस्टिंग, एंड बिकॉज ये व्लॉग ना दिल्ली के मार्केट्स का नहीं होने वाला, दिस वुड गोना बी समथिंग डिफरेंट। आई एम ऑल डन विद माई पैकिंग एंड विल कैरी दिस बैग फॉर माई होल ट्रिप, दिस आई गॉट फ्रॉम मेघालय। सो अब सिर्फ इंतजार है जाने का, कहाँ जा रही हूँ बात मैं आपको जाकर बताऊंगी। So let's meet you guys there. हैव रीच्ड जयपुर और यहाँ से ना मुझे बनस्थली जाना है, तो बनस्थली जाने के लिए भी हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग ट्रेन में ही जाएंगे, बिकॉज बस से जाना ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। एंड आई हैव रीच्ड हियर एंड सीरियसली इस जगह को देख करना यार सारी चीज़ें रिवाइंड हो गई एकदम से। और इसके बाहर ना स्टेशन के बाहर हमारे कॉलेज की बस खड़ी होती है, तो हम लोग इसी तरह से टिकट्स कराते हैं ट्रेन की कि हमें वो बस मिल जाए। और स्टेशन से ना जो बनस्थली है वो लाइक 5.5 किलोमीटर्स है, तो अब हम अपने मेटा में जाएंगे। पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। सो आई वेलकम यू ऑल इन आर देश। अभी मैं ना गेट के पास ही खड़ी हूँ, तो अभी आगे यहाँ से मुझे मेटा में जाना है, मैं गेस्ट हाउस उतरूंगी और उसके बाद मैं आपको गेस्ट हाउस से दिखाती हूँ लाइक सारी चीज़ें कहाँ क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गो। गेट से आगे आकर ना राइट हैंड साइड पे गेस्ट हाउस है अतिथि गृह, यहाँ पर आप रुक सकते हो। और सीधी ये एक रोड है और इसके राइट हैंड साइड पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हॉस्टल्स हैं। एज यू कैन सी ये हॉस्टल है यहाँ पे सामने चैत्यम, ये जस्ट अतिथि गृह के अपोजिट है। तो अभी मैं आगे जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ बिल्कुल सीधा सीधा सीधा। और यहाँ पर ना यार हमें आते बारिश मिली है, यू कैन सी। छाता लेके जाना पड़ रहा है। वैसे आई डिसाइडेड कि जो मुझे काम करना है ना तो वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं वहाँ जाकर नहा धो लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी जयपुर पहुँचकर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमें मिली। तो मैंने सोचा पहले नहा लूँगी फिर कुछ करूँगी, पर यहाँ आकर इतनी बारिश मिली हमें तो मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है नहाने वाने का, तो पहले अपना काम ही कर लो फिर सोचेंगे बाद में नहाने धोने की, क्योंकि फिर ऐसे ही हो जाना है वापस से नहाने धोने का, इसलिए कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो इसलिए मैं अपना जस्ट काम करने निकल गई। दिस लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ये शांता, पट्टनम, वासम, निवेशना में सारे हॉस्टल्स हैं, और राइट हैंड साइड से सारे के सारे वो शुरू हो जाते हैं आपके डिपार्टमेंट्स। यार अगर आप बनस्थली आने के सोच रहे हो ना तो सीरियसली बहुत बहुत बेस्ट प्लेस है, लाइक लड़कियों के लिए सीरियसली बहुत बेस्ट प्लेस है। और आपको ना खुद को एक्सप्लोर करने का यहाँ पर टाइम मिलता है, मतलब एक तो आपका ना आने जाने का खर्चा बच जाता है, और दूसरा ये है कि आपको मतलब सीरियसली अगर आप बाहर कहीं पढ़ रहे हो ना, मतलब बाहर इन द सेंस कि अपने घर के पास, तो ट्रैवलिंग में सारा टाइम चला जाता है। और अगर वो जगह दिल्ली है ना तो भाई साहब मतलब सीरियसली हद टाइम जाता है ट्रैवलिंग में। सो इट्स बेटर कि आप मतलब कोई ऐसी जगह ढूंढो, और ये प्लेस ना बेस्ट है लड़कियों के लिए। लुक एट दिस ग्रीनरी, क्या ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पर। और दिस इज अ प्लेस लाइक सीरियसली, अब आज जब मैं यहाँ से निकल रही हूँ ना और ये बच्चों को मैं यहाँ से जाते हुए देख रही हूँ, तो मेरे को सच में ना मतलब अपने दिन याद आ रहे हैं कि यार मैं कैसे यहाँ पर घूमती थी और लाइक दिस। अब यहाँ पर आकर ना आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे वाडी लाल वगैरह 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 की चीज़ें, तो ये इसको ना न्यू मार्केट कहते हैं, ये न्यू मार्केट है। तो ये भी मैं आपको पूरा अंदर जाके दिखाऊंगी अभी। और इसके ही बिल्कुल सामने ये बिल्कुल सामने एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, और फोटो कापी यहाँ पर फोटो कापी वगैरह करा सकते हो, और बुक वगैरह की शॉप है लाइक स्टेशनरी की शॉप। सो इट्स न्यू मार्केट,
और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी तीन चार शॉप्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी तीन चार शॉप्स हैं। यू कैन सी ये सामने वाले जो भैया है ना, रोहित करके जिनकी शॉप है, ये आई गेस हम इनसे ना पाइनएप्पल वाला जूस पीते थे, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो फिर बनस्थलाइट यार प्लीज़ ट्राई करना। और इसी के जस्ट सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोमोज वाले भैया बैठते हैं, वो मोमोज बहुत अच्छे बनाते हैं, फ्राइड मोमोज वो बहुत अच्छे बनाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप जा रहे हो बनस्थली या फिर आप बनस्थलाइट हो। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली शॉप्स ना हमारी फेवरेट हुआ करती थी। ये एक तो स्टेशनरी, मतलब दोनों स्टेशनरी वाली है, मतलब दोनों पे मिलता है सामान थोड़ा थोड़ा, तो स्टेशनरी वाली भी और इससे जो अगली वाली शॉप है ये अग्रवाल करके इन भैया की शॉप, तो ये सच में हमारी फेवरेट हुआ करती थी और आज भी है, क्योंकि इन पे ना बहुत यूनिक यूनिक सामान मिलता था और टेडी बियर वगैरह बहुत बहुत अच्छे मिलते थे। अभी इन्होंने नहीं रखे हुए थे क्योंकि कोरोना के बाद अभी सारा सामान सेट नहीं हुआ था, बट यू कैन सी इनके प्रोडक्ट्स ना बहुत अच्छे हैं। अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट जरूर कर। तो अब मैं वापस से रोड पे आ गई हूँ और न्यू मार्केट के बाहर ही ना लेफ्ट हैंड साइड पे एटीएम है, तो इफ यू वांट टू यूज़ तो आप यूज़ कर सकते हो। और न्यू मार्केट के बैक साइड पे ही ना ये दो कैंटीन्स यहाँ पर हैं, एक फन एंड फ्रॉलिक है और एक शानूज है। और इनके कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत पसंद है, शानूज के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक हम चीज़ बर्स्ट पनीर पिज़्ज़ा खाते थे और एक कढ़ाई पनीर पिज़्ज़ा था और फजीता रैप और शाही पनीर विद मालाबार पराठा, ये दो चार चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी, अगर आप ट्राई करना। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे ना हॉस्टल्स शुरू हो गए हैं, तो ये पहला हॉस्टल है, पहला इन द सेंस कि ये न्यू मार्केट के बाद पहला हॉस्टल है। और अब लेफ्ट हैंड साइड पे सारे हॉस्टल्स और राइट हैंड साइड पे सारे डिपार्टमेंट शुरू हो चुके हैं। राइट हैंड साइड पे आपाजी डिपार्टमेंट है, सीएस वगैरह वाले बच्चों का है, बीटेक सीएस का। अभी मैं जस्ट सीधा सीधा जा रही हूँ। सो ये शांता विहार हॉस्टल के बाहर ना एक कैंटीन है, अन्नपूर्णा कैंटीन। इनके ना मसाला मैगी, छोले भटूरे और पनीर रोल, पनीर शोरमा रोल बहुत टेस्टी हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए हो या फिर आप यहाँ पर रहते हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने सोचा यार पनीर शोरमा रोल खाते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो बट इन्होंने ना वो शोरमा वाला जो मेन्यू है वो अभी ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए मैंने ना पनीर रोल ऑर्डर किया, नॉर्मल पनीर रोल ऑर्डर किया था। सो आफ्टर टेकिंग पनीर रोल मैंने कहा यार खाते खाते ही आगे चलती, क्योंकि मेरे पास ना टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे जो काम कराना है फिर वो हो नहीं पाएगा और मुझे आज ही यहाँ से वापस जाना है, आज के अभी थोड़ी देर में वापस जाना है। एंड हियर यू हैव टू ट्रैवल ऑन बाइसिकल, लुक एट दिस ग्रीनरी यार, ये ग्रीनरी सबसे मस्त चीज़ है जो मुझे यहाँ पे लगती है। दिस वॉज माई हॉस्टल फॉर लाइक 3 ईयर्स, यहाँ से अंदर जाकर है, मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ये लुक एट दिस, ये था श्री शांता आयतन। यार सीरियसली सारी चीज़ें ना एकदम से रिवाइंड हो गई हैं, मुझे ना मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और मतलब मैं यहाँ पर रहती थी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कभी गई नहीं। और उसके बाद अभी यहाँ पे ना गेट में अंदर जाके आपको ये दिख रहा होगा, टेबल और चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। तो यहाँ पर ना वार्डन्स हमारी बैठती हैं, बट अभी लाइक लंच का टाइम हो गया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं बैठी हुई। और ये सामने जो गेट्स हैं ना, ये हॉल के गेट्स हैं, तो यहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी सारे रूम्स और राइट हैंड साइड पे भी रूम्स हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा रूम लेफ्ट हैंड साइड पे था। अभी आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे एक गैलरी सी गई हुई है, तो यहाँ से अंदर जाके मेस हॉल है और एक जहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह धोते थे, और रूम्स भी हैं अंदर जाके। सो ये है, अभी और मैं लेफ्ट जाऊँगी और ये लेफ्ट 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 जाते हुए मेरा रूम यहीं पर है इसी गैलरी में। और इस बालकनी, ये जो बना हुआ है यहाँ पे वरांडा सा, इसमें हम लोग बैठ के सारी बातें लगाया करते थे, और मतलब सारी सारी चीज़ें यार एकदम से याद आ रही हैं। और इसी लाइन में ना ये लास्ट वाला रूम जो कि बंद था, लॉक था, मैं नहीं देख पाई इसको अंदर से, ये मेरा रूम था रूम नंबर 8, बट मैं नहीं देख पाई, माई बैड लक। और ये जो अभी इधर से ये गैलरी जा रही है राइट हैंड साइड पर, इधर भी मेरा रूम था। तो मैं वापस से रोड पे आ गई हूँ और ये मेरे हॉस्टल के बिल्कुल बिल्कुल सामने ना मेरा डिपार्टमेंट था, विज्ञान मंदिर। तो मुझे लाइक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी जाने में, बट हाँ प्रॉब्लम होती भी थी क्योंकि इसके बाहर ना यार ये बहुत ज़्यादा रेत होती थी और बारिश में तो बहुत मेरे को परेशानी होती थी। तो अभी मैं सीधी सीधी जा रही हूँ, मेरे हॉस्टल के आगे वो डिपार्टमेंट है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ से मुझे काम है। और एडमिशन प्रोसीजर्स या मतलब ऐसा कुछ भी जो आपको ऑफिस का वर्क होता है उसके लिए आपको ज्ञान मंदिर जाना होता है, जो कि मैं पहुँच गई हूँ अब, सॉरी ज्ञान मंदिर आई फॉरगॉट, वाणी मंदिर जाना होता है। ओह माय गॉड, वाणी मंदिर जाना होता है, पूरा वहाँ जाना है मुझे। माय हालत आई एम सीरियसली कांट टेक बात है यार, बिकॉज
टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पहले बहुत 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 सारा काम करना है यहाँ पर, वो करने के बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ। और मुझे यहाँ से आज वापस भी जाना है तो कांट डू एनीथिंग। तो अभी मेरा एक काम हो चुका है, बट जो मुझे एक और काम कराना है उसके लिए मुझे विद्या मंदिर जाना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और बीच में ही मेरा डिपार्टमेंट आता है विज्ञान मंदिर। यहाँ पे हमारी सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस हुआ करती थी विज्ञान मंदिर में। लुक एट दिस, मतलब अंदर जाकर मैं नहीं ले सकती क्योंकि हमें फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। सो आई एम डन विद माई वर्क, सो वी डिसाइडेड कि हम ओल्ड मार्केट चलते हैं। ओल्ड मार्केट बिल्कुल लास्ट में बनस्थली के, तो बीच में जाते हुए ना ये क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर्स राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्वार्टर्स आएंगे टीचर्स के। यू कैन सी दिल्ली राज्य भवन यहाँ पर लिखा हुआ है, और आगे जाकर भी हैं पंजाब के, राजस्थान के और अलग अलग स्टेट्स के। तो ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनके क्वार्टर्स हैं। उसके बाद बीच में ये आता है हवाई जहाज मैदान, यहाँ पर ना उनका डिपार्टमेंट है एविएशन वालों का, एविएशन का कोर्स जो करते हैं उनका डिपार्टमेंट है। यहीं से फ्लाइंग वगैरह होती है, तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ही खड़े रहते हैं। सो आई हैव रीच्ड इन ओल्ड मार्केट, और ओल्ड मार्केट के बाहर ना एक ये शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, और इनके पास ना बहुत अच्छा सामान मिलता है। और जो लाइक एक शॉप मैंने आपको वहाँ बाहर दिखाई थी, न्यू मार्केट में दिखाई थी, उन्हीं की ये शॉप एक और है ओल्ड मार्केट में। तो ये शॉप बहुत अच्छी है, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये लगती है कि ये लोग ना सारा सामान डिस्प्ले पर लगा कर रखते हैं, आपको ना मांगना नहीं पड़ेगा कुछ उनसे। इसके बाद बाहर जाते हैं, तो बाहर जाके थोड़ा सा आगे चलना है, बस थोड़ा सा आगे चल के ना राइट हैंड साइड पे ही ये है हमारा ओल्ड मार्केट, और ये एंड है बनस्थली का, यहाँ से आगे कुछ नहीं है बनस्थली मतलब रोड पे। और ये राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो ये है ओल्ड मार्केट सारा, यहाँ पे भी लाइक 6-7 शॉप्स हैं। ओ दिस इज़ ओल्ड मार्केट, और यहाँ पे भी दोनों साइड पे शॉप्स हैं, आपको आपकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाएंगी, सब्जियाँ वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी मिलता है जैसे न्यू मार्केट में मिलता है, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर दो कैंटीन है, कि राइट हैंड साइड वाली अग्रवाल है और लेफ्ट हैंड साइड वाली महेश्वरी है। अगर आपको वो देसी वाला वेज सॉस पास्ता खाना है तो अग्रवाल का बहुत अच्छा, और चिली पनीर भी इनका बहुत अच्छा है। और लेफ्ट हैंड साइड जो महेश्वरी वाली है उनकी कोल्ड कॉफ़ी बेस्टेस्ट है यार, सीरियसली। नाउ गोइंग बैक फ्रॉम हेयर, ओके बाय, सीरियसली दिस प्लेस आई लव, I love this place. अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बीच में तो सीरियसली इतनी ज़्यादा हुमस हो चुकी थी कि यहाँ पर ना लाइक खड़े होना बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, बट अब बहुत अच्छा मौसम हो गया है। Look at this view. And now we are again going towards और प्यारा गेट, ओके। और यहाँ पे ना गेट के पास ही वो हॉस्पिटल और आपका पोस्ट ऑफिस और एटीएम, ये सारी चीज़ें गेट के पास ही हैं आपकी लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड पे। यू कैन सी ये आरोग्य मंदिर है, ये हॉस्पिटल है सारा, और इसके आगे जाके पोस्ट ऑफिस और वो है एटीएम। जंगल में मंगल हुआ है यहाँ पे, जंगल में मंगल। लाइक जब मैं यहाँ से पास आउट हुई थी ना, तो कोरोना के टाइम पे पास आउट हुई थी, तो हमारी ना फेयरवेल नहीं हुई थी, तो मुझे ना अभी भी नहीं लग रहा सीरियसली कि यार मैंने ये जगह छोड़ दी है ऑफिशियली, ऑल दो मैं आज अपनी डिग्री ले चुकी हूँ यहाँ से, बट सीरियसली मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि यार मैंने जगह छोड़ दी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज यहाँ आई थी एंड अब वापस जा रही हूँ। ये है बनस्थली का गेट, और यहाँ पे आते हुए भी चेकिंग होती है, जाते हुए भी चेकिंग होती है। ये यहाँ से पूछ रहे हैं इनको ना, हमें भी जैसे लाइक कार्ड मिला था, एक कार्ड या एक रिसीट मिली थी, तो वही दिखा के अभी हमें बाहर जाने लगे। हे यू गाइस, सो
बनस्थली से हम लोग आ गए थे जयपुर, और लाइक बहुत 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 ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा रश है जयपुर में, क्योंकि एग्ज़ाम है रीट का कल, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो आके थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए एंड अब डिनर करने के लिए जाना है। सो थोड़ा सा एक छोटा सा लुक दे देती हूँ आपको अपने रूम का। सो दिस इज़ आर रूम। लाइक छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बट या ठीक है यार। दिस इज ऑल अबाउट आवर रूम। बहुत ज्यादा भूख लगी है तो इसलिए अब हम जा रहे हैं खाने। सो गाइस, व्लॉग पसंद आया तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज यार कमेंट भी कर दिया करो एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड एनी ऑफ द वीडियो। सो विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।